हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ इस समय उत्तराखंड के डंडा डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर के मेन बाजार में हूँ, यहाँ पर बेस रेस्टोरेंट के ठीक सामने। आज यहाँ पर हो रहा है पेड़ कटान हो रहा है, और भी सारा कुछ यहाँ पर दिखाऊंगा क्या क्या काम हो रहा है। बने रहे आप चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करना। सारा कुछ दिखाते हैं आपको, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। अभी लोकेशन जरा मैं बता देता हूँ आपको। ये लोकेशन है, बस स्टेशन है सामने, आप ये देख पा रहे होंगे जहाँ पर रोबोट लगा है वो साइड को, यहाँ पर है बस स्टेशन। उसके जस्ट बगल में आप ये देख रहे होंगे बेस हॉस्पिटल के ठीक बाहर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और आप सामने देख रहे होंगे स्टेडियम। आज यहाँ पर कट रहे हैं पेड़ कटान का यहाँ पर काम चल रहा है। जितने भी यहाँ पर ऊपर को यहाँ पर पेड़ बचे हुए थे वो साइड को तो लगभग सब कुछ काट ही दिए हैं, और शिफ्टिंग भी हो रहा है, अभी खुदान चल रहा है, बिजली के बोल लगभग शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये साइड के पेड़ आज यहाँ पर कट रहे हैं, जो भी 2-3 पेड़ यहाँ पर बचे हुए थे वो कट रहे हैं। आपको मैं यहाँ पर सीधा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बेस हॉस्पिटल के सामने का नज़ारा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लाइव कार्रवाई दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। आप ये देखिए, बिजली के पोल यहाँ पर पड़े हुए हैं, बिजली के पोल भी यहाँ पर शिफ्ट होंगे। और पीछे एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ ये देखिए, ये जो काम हो रहा है ये भी अभी दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखें, ट्रक में यहाँ पर लकड़ी भरे जा रहे हैं, इतना लगभग काट दिया है यहाँ पर जो भी लिफ्ट स्टैंड के पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे, उनको यहाँ पर काट के इसमें डाल दिया गया है। ट्रैफिक फिलहाल यहाँ पर खोला गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक पेड़ और कटना बाकी है, बाकी यहाँ पर लगभग सब काट दिए हैं। स्टेडियम का नज़ारा है, और इसके पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर था पहले वाशरूम को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। वाशरूम तोड़ के अभी देख रहे होंगे ना पीछे, ये गटर का जो पीट था उसका एकदम गंदा, एकदम मटमेला पानी आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये पीट है, पीछे भी पीट बनाया हुआ था, ये लोगों ने लगभग 3-4 यहाँ पर पीट बनाए हुए थे। तो एक पीट यहाँ पर था, ये लगभग फूट गया है यहाँ पर, तो ये जो गंदगी है, ये कचरा यहाँ पर है। और आगे का जो ये ट्रांसफार्मर है, आपको जो ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये ट्रांसफार्मर यहाँ शिफ्ट होना है, यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जानकारी मिली है यहाँ पर बन रहा है ये ट्रांसफार्मर रखने का, ये जो नया जो ईटा का ये जो बन रहा है इसके ऊपर रखा जाएगा यहाँ पर ट्रांसफार्मर। इसके अंदर भरान होगा ना, इसके अंदर भरान होगा और इसमें ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे। कितने 2 ट्रांसफार्मर है ना यहाँ पर, 2 ट्रांसफार्मर, एक इसमें तो गाइस एक इसमें ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। इसका जो भी पैनल होगा, इलेक्ट्रिक का जो भी पैनल होगा, वो पैनल इसमें रखा जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा केबिन बनेगा, आप ये देख रहे होंगे, छोटा सा केबिन बनेगा, इसमें छत भी डलेगी ना, टीन वाला या लेंटर पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें पड़ेगा लेंटर। ये देखिए कितना ऊँचा रहेगा, ये 8 फीट ऊँचा, दरवाजा वगैरह सब रहेगा। तो दरवाज़ा वगैरह सब लगा के यहाँ पर एक केबिन रूम बनाएंगे पैनल वैनल रखने का। तो यहाँ से ये पेड़ कट गए हैं, ये देखिए आपको मैं ज़रा दिखा रहा हूँ, आगे को दिखाता हूँ, और ये देखिए यहाँ तक पेड़ कटे हैं, ये देखिए ये पेड़ भी अभी यहाँ पर कटना है, ये रस्सी लगाई है, और यहाँ ऊपर तक सब कट जाएगा, पूरा हटाएंगे। और उसके जस्ट बगल में अभी तो यहाँ पर रोबोट बंद है, क्योंकि ट्रैफिक को यहाँ पर सुचारू करा गया है। अभी ज़रा मैं इधर का जरा दिखा रहा हूँ, ये देखिए काफ़ी ट्रैफिक है, बेस हॉस्पिटल के ठीक गेट के सामने हूँ। यहाँ पर जो ये गेट था, आपको मैंने पहले भी बताया था, ये पीछे यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, देखिए ये पहले गेट आगे था, अभी शिफ्ट हो गया है। और इसके बगल का भी जरा मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखिए ये जो यहाँ पर वाशरूम वगैरह जो ये टूटा हुआ था, इसको भी रिपेयर करके बना दिया गया है। और ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर यहाँ पर भी हैं, और 2 साइड वो साइड भी हैं, तो वो ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखे जाएंगे। हल्द्वानी का रोडवेज बस स्टेशन यहाँ पर काफ़ी चौड़ा हो गया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ को लगभग डामर हो गया था, ये मैंने लगभग आपको पहले दिखाई दिया था। यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर है, क्योंकि ट्रैफिक को अभी फिलहाल खोल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक हो गया था, काफ़ी देर से रुका हुआ था, तो अभी फिलहाल यहाँ पर खोल दिया गया है, और आगे तक यहाँ पर काम होगा। ये देखिए देखो, और ये सामने से भी अभी आगे को क्या होगा वो बाद में पता चलेगा आपको। कुछ समझ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, देखिए आप पूरा यहाँ मतलब नीचे से ऊपर तक पूरा जाम ही जाम यहाँ पर लगा रहता है। अभी रोबोट बंद है, और यहाँ पर से ये जितने भी ये पोल होल आपको दिख रहे हैं सारा शिफ्ट होने हैं। ये देखिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ट्रैफिक है। एक बार फिर से यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है, आप ये देख रहे होंगे रोडवेज बस स्टेशन के सामने बैरिकेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं, क्योंकि होटल से लेके ये रोडवेज बस स्टेशन सब लगभग सभी पेड़ कट गए हैं। लगभग यहाँ पर पूरा पेड़ों का पातन लगभग कंप्लीट हो गया है, आज लगभग इसको फिनिश कर देंगे, ये लास्ट ही है। आज आपको मैं स्टेडियम के बाहर से ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए पता नहीं यार अम्मा कहाँ जा रही है, ये
चले जा रही है। तो गाइस आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बड़ा पेड़ है एकदम, नीचे से काटा जाएगा घाटी के ऊपर गिरा है लगभग यहाँ पर सालों के जोड़ से घाटी के। काफी बड़ा पेड़ है, अगर ऊपर से टहनी काटते तो अच्छा रहता, मगर अभी किस तरह से इसको काटते हैं वो दिखाएंगे। पर अभी ट्रैफिक लगभग रोक रहे हैं, अभी बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जाएगा आपको, मैं ये दिखा रहा हूँ क्योंकि यह पेड़ इधर को आएगा, आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। पूरा यहाँ पर क्लीन हो चुका है, ये देखिए रस्सी लगाई जा रही है और ट्रैफिक एकदम रोका जा रहा है। अभी इक्का दुक्का छोड़ेंगे, अब इसके बाद यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं छोड़ेंगे। देखो सारे पुलिस वाले यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर बैरिकेड वगैरह लग गया है देखिए, और रोबोट जा रहा है भाई, अभी रोबोट जा रहा है, ये देखिए रोबोट से वो रस्सी से इधर खींचा जाएगा, यहाँ से सारा ट्रैफिक यहाँ पर रोका गया है। आप ये देख रहे होंगे ओके होटल के ठीक सामने से आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ को सारा कुछ ट्रैफिक रोक दिया गया है दूर दूर तक, और बिल्कुल भी ट्रैफिक को पीछे किया जा रहा है। देखो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है और यहाँ पर सिपो वाले भी हैं, देखो लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं यार, ज़बरदस्ती जा रहे हैं, देखो मना कर रहे हैं फिर भी पब्लिक इतना बेवकूफ है कि बिल्कुल मान नहीं रहे कहना। अब इतना बड़ा यहाँ पर पेड़ कट रहा है, इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि मतलब कम से कम समझना चाहिए ना। आ जाओ भैया इधर को आ जाओ। तो यहाँ पर पेड़ कट रहा है, आप देखिए रोबोट से यहाँ पर खींचा जा रहा है, ये देखिए पेड़ को खींचा जाएगा, इधर को खींचा जाएगा, आपको मैं लाइव यहाँ पर हल्द्वानी से दिखा रहा हूँ। ये देखिए दुख तो बड़ा होता है यार पेड़ कट रहे हैं, मगर फिर क्या करें, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक आप देख रहे होंगे 2-5 मिनट का यहाँ पर ट्रैफिक रोका है, तो यहाँ पर कितनी भीड़ है, ये देखें कितना पीछे तक पूरी लाइन लग गई है, आप देख पा रहे होंगे पूरी यहाँ पर लाइन लग गई। देखो ये भी पूरा भर गया है स्टेडियम वाले के लिए, और देखिए पूरा साफ है मामला। अरे वहाँ नहीं जाता फिर कोई बात नहीं, वहाँ नहीं जाएगा वो, ये रोबोट से यहाँ पर खींचा, लाइव दिखा रहा हूँ किस तरीके से इसको यहाँ पर पेड़ को गिराया जाता है, आपको मैं लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। काफ़ी दूर से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पेड़ इधर को आने की संभावना है, इधर को ही लगाया जाएगा, तो यहाँ पर खतरा है, तो दूर से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, आपको लगभग क्लियर दिख रहा होगा। ये देखिए ठीक यहाँ पर अगर 5 मिनट के लिए यहाँ पर ट्रैफिक रोका जाए तो यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ पर जमा हो जाती है, देखिए इतना ट्रैफिक है, इसलिए यह पेड़ काटे जा रहे हैं और यहाँ पर रोड चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। ये देखिए कितना ट्रैफिक, पीछे तक पूरी लाइन लग गई है, देखो कालू सिद्ध मंदिर से लेके ये स्टेडियम तक इतनी लाइन लग गई है, उतनी ही लाइन पीछे को भी लगी हुई है बस स्टेशन से उधर को देखिए, और यहाँ पर ये ओके होटल की गली आ जाती है, उधर को ये रामलीला ग्राउंड को ये रोड चली जाती है, ये देखिए देखिए काफी इधर तक आ गया है। तो गाइस यहाँ पर पेड़ ऑलमोस्टली सकुशल यहाँ पर गिरा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी पब्लिक को फिलहाल जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये भी यहाँ पर से रोड साफ किया जाएगा। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरे रोड पर पड़ा हुआ है, देखो रोबोट की मदद से इसको हटाया जा रहा है, ये देखिए सब साफ कर दिया जाएगा अभी। देखिए लोग और यहाँ पर इसको इस पेड़ को ना नापा जा रहा है कि इसको गिल्टे कितनी लंबाई चौड़ाई में बनेंगे, नाप के इसको काटा जाएगा, निशान लगा के छोटे छोटे गिट्टे बनाए जाएंगे, तो यहाँ पर ये फॉरेस्ट विभाग की टीम है वो नाप रही है, उसके बाद इसको फटाफट यहाँ से काटा जाएगा, और यहाँ से रोबोट ने लगभग इस पेड़ को हटा दिया है। देखो लाइव कार्रवाई दिखा रहा हूँ हल्द्वानी से, लगभग ये एरिया का ये लास्ट ही पेड़ होगा और इसको काट दिया गया है, रोबोट एकदम फटाफट साफ कर रहा है, पूरा भर गया रोड, अब देख रहे हैं ये देखिए पूरा रोड यहाँ पर भर गया है। अब यहाँ पर ट्रैफिक को खोल रहे हैं तो आप देखिए कितनी गाड़ियाँ हैं, यहाँ से भी गाड़ियाँ देखो ये है भाई ट्रैफिक, हजारों गाड़ियाँ ये देख रहे हैं आप, सिर्फ 10 या 15 मिनट रोकने में यहाँ पर कितनी गाड़ियों की यहाँ पर कतार लगी हुई है, ये देखिए भाई हमारे सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं यहाँ पर चलते चलते, बहुत अच्छा लग रहा है, ये देख रहे हैं आप कितना ट्रैफिक है भाई, देखो खाली 5 या 10 मिनट रोकने में इतना ट्रैफिक है हल्द्वानी में, ये देखो पीछे तक ट्रैफिक। ये अपडेट था आज का, हालांकि ये वीडियो आपको एक दिन बाद ही मिलेगी क्योंकि अपलोड करने होता है, एडिट करना होता है, ये देखो ये है भाई ट्रैफिक हल्द्वानी का।
इसके गिल्टे बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे। अभी हटा दिया जाएगा सब। तो गाइस यहाँ पर पेड़ों का जो भी कटान चल रहा था, जो भी ट्रैफिक था, जो भी था, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। अभी देख रहे होंगे डिवाइडर भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी देख पा रहे होंगे थोड़ा मोटा यहाँ पर इसलिए पूरा लगभग डिवाइडर में आ गए हैं। ये देखिए डिवाइडर भी बनेगा अभी और पेंट नहीं होगा, एकदम खटाटक यहाँ पर बनेगा। ये देखिए इधर को देखो, क्या नाम है आपका? विशाल अग्रवाल। विशाल अग्रवाल जी ने हमारे लिए मंगाया है पान, आप ये देख रहे होंगे, और यहाँ पर मंगाई है कोल्ड ड्रिंक, ये देख सकते हैं आप। देखिए थम्स अप मंगाया है सोने के गिलास में, हम लोग अभी पियेंगे कोल्ड ड्रिंक सभी लोग। इन्होंने तो तानसेन मुंह में तपेड़ लिया है, पता नहीं कहाँ थूकेंगे। अब यहाँ मत थूकना भाई, साफ सुथरा है, बाहर जाना थूकने के लिए। तो हमारे अनिल भाई लोग हैं, सोने की दुकान है, फिर देख सकते हैं आप। और हमारे हमारे हेल्पर भाई साहब है, कारीगर भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये हमको सबको यहाँ पर आप नहीं पियोगे तो 10 रुपए थूकना पड़ेगा। नहीं वो तो साइड में दबा के पीएंगे हम, ऐसे क्या बात कर दी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो गाइस अभी ये है थम्स अप, ये है सोने की गिलास, और हम पी रहे हैं अभी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक। हमारे भाई साहब मालिक साहब भी हैं, बड़ा अच्छा लगा आज एसी में बैठ गए एकदम टकाटक। तो पहली बार यार मैं सोने की गिलास में पी रहा हूँ ना, और इनकी बदौलत है ना, इनका प्यार है, मजा आया। तो गाइस अभी हल्द्वानी के जो यहाँ पर बेस हॉस्पिटल है वहाँ से वीडियो समाप्त करते हैं। आज मैंने आपको यहाँ पर ट्रैफिक कितना था, किस तरह से पेड़ कटे, और क्या क्या यहाँ पर अगल बगल की एक्टिविटी थी, और क्या क्या काम यहाँ पर हो रहा था, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर लगभग बता ही दिया है। अभी आने वाले समय में यहाँ पर किस तरह का विकास होता है, किस तरह का प्रगति होती है, यहाँ पर सारा कुछ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अभी यहाँ से बाय बाय करते हैं, इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिए किस तरह से यहाँ पर रोड चौड़ा करने का काम हो रहा है। तो मिलते हैं कुछ ऐसे नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहना आप मेरे चैनल में।